हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये नए डिजाइन का टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। इसमें फ्रेंड्स मैंने 8 कली बनाई हैं, 4 एक कलर से और 4 एक कलर से, ये आप देख सकते हो। और मैंने इसमें 16 फंदे डाल के इसको बनाया है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं फंदे आपको इसका एंड करना बताऊंगी, इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी चॉइस से इसमें जितने चाहो उतने कलर भर सकते हो। 8 कली आप अलग अलग कलर की भी बना सकते हो और इसमें आप सिंगल कलर भी लगा सकते हो। तो देखिए, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपको बताऊंगी। इसमें भी मैंने 18 फंदे ही डाले हैं। ये मेरे पास पुरानी ऊन थी तो इसको मैंने डबल किया हुआ है। ये भी फ्रेंड्स मैंने पुरानी ऊन का ही बना रखा। अगर आपके पास साड़ी या चुन्नी हो तो आप उससे भी इसको बना सकते हो। उसके लिए आप थोड़ी सी मोटी निडल का यूज करिए, जैसे 8 नंबर की या 6 या 7 नंबर की। तो देखिए, इसके लिए मैंने 9 नंबर की निडल का यूज किया है। और फर्स्ट रो है ये हमारी, देखिए, कोई हमें इसमें अभी रो नहीं बनाई है, ये बिल्कुल बेसिक रो है। देखिए, बिगिनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। डिजाइन को समझने के लिए प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिए। जितने भी आप फंदे डालो, जोड़े के हिसाब से फंदे डालना फ्रेंड्स इसमें। और फर्स्ट रो, बेसिक रो, आप ऐसे सिंपल बना के उसको कंप्लीट करना। देखिए, ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी बैक साइड रॉन्ग साइड है। तो यहां से हम अपना सेकंड कलर इसमें हम लगाएंगे। तो देखिए, सेकंड कलर लगाएंगे और एक फंदा हम बढ़ाएंगे। ये देखिए, हमने लपेट लिया, एक फंदा हमारा इस साइड बढ़ गया। इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए। इसकी हम बाद में यहाँ पे नोट लगा देंगे। इसको आप इसके साथ साथ अंदर कर लीजिए ताकि ये निकले ना, पक्का हो जाएगा। ये देखिए, सारे फंदे हम बना लेंगे। एक फंदा हमने यहां बढ़ा लिया और एंड में 2 फंदे हम छोड़ देंगे। ये देखिए, और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। फर्स्ट वाला ऐसे ही उतारेंगे। छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिए। ये हमने ऐसे ही उतारा है, हमारा बीच में गैप नहीं बनेगा। एक कलर से हम 2 रो ही बनाएंगे, उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से। ये देखिए, ब्लैक कलर लगाया मैंने, इसकी 2 रो बनाई। ये बड़ा हुआ फंदा भी हम बना लेंगे। अब देखिए, अब इस धागे को तो हम इधर करेंगे और ये दूसरे वाला मेरा, ये ऑफ वाइट है, इससे मैंने फिर से लपेट के एक फंदा बढ़ा लिया। इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए। एक फंदा हमने और बढ़ा लिया और पीछे हम 2 फंदे और छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं 6 फंदे इसमें और बढ़ाऊंगी, 8 फंदे मैं इसमें बढ़ाऊंगी और 2-2 करके 8 फंदे ही मैं पीछे छोड़ दूंगी। 8 बार 16 फंदे हैं मेरे, मैं 2-2 करके पीछे छोड़ दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप बड़ा बनाना चाहो तो आप 3-3 फंदे का पेयर भी बना सकते हो, 4-4 फंदे का भी पेयर बना सकते हो। बनाने का तरीका सेम रहेगा। आप फंदे उसी हिसाब से इसमें डिवाइड कर लीजिए। मैंने 2-2 का पेयर लिया है, आप इसमें 4-4 का, 5-5 का, जितना आप बड़ा बनाना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो। ये देखिए, सॉरी, नहीं, ठीक है। अब देखिए, फिर से हम इसमें ब्लैक से फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए,
ऐसे ही आपने हर बार यहाँ पे फंदा बढ़ाना है और पीछे आपने दो दो फंदे छोड़ने हैं। ये हमने चार फंदे छोड़ दिए, दो फंदे बढ़ा लिए, एक मैंने और बढ़ाऊंगी तो मैं दो इस बार फिर छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स हम सारे ही ये फंदे अपने दो दो करके छोड़ देंगे और यहाँ पे हमारे आठ फंदे बढ़ जाएंगे। तो मैं इसको ऊपर तक बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए दो दो करके मैंने ये सारे ही फंदे यहाँ तक छोड़ दिए हैं, 18 फंदे थे, दो दो करके 8 बार मैंने छोड़ दिए हैं और आप देख सकते हो ये हमारे बड़े हुए फंदे हैं, 8 हमारे फंदे बढ़ गए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से मैं अपना एक कलर और इसमें मैं ऐड करूंगी। तो आप देखिए ये बाकी के 8 फंदे ही हम इससे बनाएंगे बड़े हुए। देखिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे, इसको ऐसे ही उतारेंगे। हाफ कली हमारी दो कलर से बन गई, ऊपर की हाफ कली हम सिंगल कलर से बना। आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपने नीचे बनाई है आप आगे इसको ऐसे भी बना सकते हो। अब देखिए ये हमने उतार ली एक बार, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फंदे बढ़ाए हैं वैसे ही हम इसमें घटाएंगे। दो का एक किया, ध्यान से देखिए, जैसे हमने फंदे छोड़े थे ऐसे ही अब इसमें हम ऐड करेंगे। तो देखिए अगर फ्रेंड्स आपको गैप लगेगा बीच में, तो गैप भरने के लिए एक फंदा बीच में से उठाएंगे और इसके साथ आगे वाले के साथ दो का एक कर देंगे, इससे हमारा गैप बीच में भर जाएगा। ये देखिए और ये फंदा दो हमने इसमें ऐड कर लिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिए एक एक फंदा घटाएंगे और अंदर से दो दो फंदे ऐड कर लेंगे। जैसे ही हमारे फंदे आठ फंदे घट के कंप्लीट होंगे तो हमारी कली भी बन के कंप्लीट हो जाएगी। देखिए एक बार और देख लीजिए सेकंड फंदा, इनको भी आप साथ के साथ ऊपर रखना, ये हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। दो का एक किया, देखिए फिर मैं इसको आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। दूसरा फंदा हमने घटा लिया, ये देखिए गैप भरने के लिए आप इसी कलर का भी आप उठा सकते हो। देखिए इसको और इसको ये हम दो का एक बना देंगे। दो का एक करना मत भूलिए फ्रेंड, नहीं तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये देखिए इससे हमारा गैप नजर नहीं आएगा। ये देखिए तो फ्रेंड्स मैं दो फंदे मैंने घटा लिए हैं, मैं छह फंदे और घटाऊंगी और ये देख सकते हो आप ये अंदर की साइड हम बढ़ेंगे। दो दो करके हम ये सारे ही फंदे इसमें, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारे जोड़े हैं और छह फंदे ही हमने घटाने हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, इधर से घटाऊंगी, इधर से अंदर से एक फंदा दो फंदे लेऊंगी, तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए, फिर मैं ऊपर का दिखाऊंगी। देखिए सात फंदे मैंने घटा लिए, एक मेरा बचा हुआ है और एक आप देख सकते हो पीछे ये दो का जो जोड़ा हमने छोड़ रखा था सबसे पहले वो हमारा बचा हुआ है। तो देखिए लास्ट फंदा भी हम ऐसे घटा देंगे, आठ के आठ फंदे हमने घटा लिए, एक कली हमारी बन के कंप्लीट हो गई।
जितने फंदे हमारे थे उतने ही फंदे हमने वापस इसमें कर लिए हैं। ये देखिए, गैप भरने के लिए हम फंदा उठाएंगे और दो का एक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको कहीं पे भी इसमें गैप नजर नहीं आएगा। और ये जो फंदा हम उठाते हैं, इसकी भी एक ऐसे डिजाइन सा बनता जाएगा बीच में। देखिए, इस रो को हम सीधा उतारेंगे, सिंपल उतारेंगे। देखिए, ये कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग की थी इसको आप टाइट, इन धागों को फ्रेंड्स आप साथ के साथ, ये मेरा यहाँ पे नीचे रह गया था, इसको आप साथ के साथ ऊपर लेके आइएगा। ये देखिए, ये सिंपल रो बनाएंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। जब हमारी कली कंप्लीट हो जाएगी तो सारे ही फंदे हम अपने चेंज कर लेंगे। ये देखिए, आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से अपना जो हमारा सेकंड कलर है उसको हम लगाएंगे। और फ्रेंड्स, इसमें भी हम ऐसे ही एक फंदा बढ़ाएंगे जैसे हमने पहले किया था, लपेटने से हमारा फंदा बढ़ जाएगा और हम इसको ऐसे बना देंगे। इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए, ये देखिए, और हम ऐसे ही जैसे हमने पहले बनाया था सेकेंड कली की हमने स्टार्टिंग कर ली है। देखिए, और दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे। ये देखिए, दो फंदे हम छोड़ देंगे, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। इस साइड हम आप आठ फंदे बढ़ा लेंगे और दो दो करके सारे ही फंदे छोड़ देंगे जैसे हमने नीचे बनाया था। और फ्रेंड्स, अगर आपको, मैंने ये पिंक कलर लगाया है, अगर आपको दो ये कलर से सारी कली ऐसे ही बनानी है तो फिर ये पूरा होने के बाद आप इसी कलर को ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे इसमें दूसरा कलर लगाया है, तो आप जैसे हमने ये लगाया था तो आप दूसरा कलर भी इसमें लगा सकते हो। तो देखिए, कंटिन्यू जब आप बनाओगे तो इस तरह से आपका ये बनता चला जाएगा। देखिए, और एंड में आप देखिए हमें फंदे वाइंड अप कैसे करने हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए। पूरा जब आपका फ्लावर बनके कंप्लीट हो जाएगा, दो का एक किया, वापस इसमें डाल लेंगे, फिर से दो का एक कर देंगे। देखिए, सारे ही फंदे हम ऐसे वाइंड अप कर लेंगे। देखिए हमारे फंदे, मैं आपको एक बार इसको बंद करके दिखाऊंगी। देखिए,
लास्ट में फ्रेंड्स हम इसको इसमें से धागा निकाल के इसको हम ऐसे पक्का कर देंगे। ये देखिए सारे फंदे हमारे बंद हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है और हम इसको यहाँ से और यहाँ तक ऐसे हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए ऐसे हम इसको यहाँ से ऐसे सिल देंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको बीच में कोई फ्लावर वगैरह लगाना है तो आप फ्लावर लगा दीजिए, और अगर नहीं लगाना तो आप इसको सुई से ऐसे सबको ऐसे मिला के बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस फ्लावर को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी नई डिज़ाइन की वीडियो अपलोड करूँ तो उसका डिज़ाइन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।